हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तजा साहब, और ये बताएंगे आज की वोटिंग के बारे में कि कैसी चल रही है और आगे इसके रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, इलेक्शन जब भी होता है उसमें आम तौर पे हम इसको इंजॉय करते हैं, मगर जो यहाँ पे जो क्वेटा में इलेक्शन जो होता है उसमें साथ साथ जो है ना हम एक दुख का भी शिकार होते हैं। हमको 8 अगस्त का वाक़या याद आ जाता है और उस रेफरेंस से हम मामलात को देखते हैं, और फिर एहतियात भी हमें शायद बलूचिस्तान में ज़्यादा करनी पड़ती है इलेक्शन हवाले से। आप ये देखें कि गाड़ियाँ अंदर नहीं आने दे रहे वगैरह वगैरह ना, तो ये थोड़ा सा तकलीफ़देह भी हो जाता है। बहरहाल आप देख रहे हैं कि सारे दोस्त जो है ना वो आ भी रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं बड़ी खुशी से, हंसी खुशी सब दोस्तों का माहौल है, और कोई ऐसा कोई टेंस नहीं है एक दूसरे के साथ। कोई इस बात पे भी लोगों के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, हंसी खुशी मोहब्बत से सारा कुछ। करम साहब, ये बताएंगे ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो इलेक्शन है इसका क्या इम्पेक्ट होता है वकला बरदरी के लिए? देखिए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार जो है ना इसकी अपनी एक तारीख है। अगर इसके आप सदर के ऊपर चले जाएँ तो मुझे याद आता है कि याय बख्तियार साहब जो है ना इसके सदर थे और जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त अली अहमद कुर्द साहब, और बहुत अरसे तक जो ना वो रहे और इतने बड़े नाम। फिर उसके बाद जफ़र साहब आए, उसके बाद शकील साहब थे, उसके बाद अली था, तो ये सारे जो ना इतने बड़े बड़े नाम। तो मतलब ये जो हाईकोर्ट बार है ना ये एक विरासत है उन बड़े लोगों की, उन साफ़ सुथरे लोगों की जिन्होंने एक कानून के हवाले से, दस्तूर के हवाले से भी जदोजहद की और अपनी ज़िंदगी भी साफ़ सुथरी गुजारी बग़ैर किसी इल्ज़ाम के, बग़ैर किसी ऐसे प्रॉब्लम के। तो हम उस विरासत को लेके चल रहे हैं और पूरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जो है ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हमेशा जो है ना वो फ्रंट फुट पे रही है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने सूदमंद साबित होते हैं ये इलेक्शन से? देखिए, अगर कहीं अगर इस पाकिस्तान में कहीं पे भी डेमोक्रेसी है तो वो ट्रू सेंस में दुरुस्त तौर पर जो है ना वो बार एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी, तहसील लेवल्स पे भी, और इसी तरह हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हम वक्त पे इलेक्शन करवाते हैं, और उस वक्त पे इलेक्शन कराने के बाद जो है ना फिर हम इसको जो है ना उस बॉडी में अगर अपना दोस्त साथी आ जाए जिसको हमने कैंडिडेट किया है तो भी हमारा सदर होता है, अगर कोई मुखालिफ आ जाए तो भी हमारा सदर होता है। उस रात के बाद हम इस बात को भूल जाते हैं कि किसने मुखालफत में इलेक्शन लड़ा, किसने जो है ना फेवर में इलेक्शन लड़ा। आप अपने पैनल के जो कैंडिडेट हैं उनसे कितना उम्मीद है कि इलेक्शन के रिजल्ट आपके हक में होंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, डिस्ट्रिक्ट बार हमने जीता, ये भी लगता है कि हम जीतेंगे। बाकी तो चॉइस जो है वो वोटर की है, उसका हक जो है वो वोट देने का हक, उसकी चॉइस का हक जो है वो छीना नहीं जा सकता। वो बात दुरुस्त है जो वोटर जो फैसला करता है, और यही बात हम पाकिस्तान के लिए चाहते हैं। और ये वोटिंग प्रोसेस का बताएं कि कब तक इसका अनाउंसमेंट तक के प्रोसेस में हम आ जाएंगे? 5 बजे तक तो वोट कास्ट होंगे, फिर रात देर हो जाएगी इसमें, मेरा ख्याल 10-11 तो बजेंगे काउंटिंग में क्योंकि इसमें काफ़ी वोट होते हैं। और हमारा एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान मीडिया हाउस का वोट ऑफ वॉइस ऑफ लायर, इसके बारे में आप बताइए कि कितना फजूदमंद साबित हुआ आपके लिए कि आपके आवाम तक आवाज़ पहुंचाने के लिए और आपके आवाने बाला तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। देखिए, ये प्योर जो है ना अगर कह सकते हैं कि वही वकीलों की आवाज़ जो है पब्लिक तक जाती है। एक वर्जन तो आता था पब्लिक की आवाज़ तो सब तक जाती थी उसमें गो कि हम भी शामिल हैं, मगर हमारी जो है ना मखसूस आवाज़ कहीं तक नहीं जाती थी। अब आपका जो चैनल है इसकी वजह से जो है वो हमारी जो एक्सक्लूसिव आवाज़ है वो पब्लिक तक भी जाती है और लोगों को हमको समझने में जो है आसान।